हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीआरएक्स मेडिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टो कैल्शियम सिरप के बारे में, जैसे कि इसके यूजेज क्या हैं, इसकी डोजेज क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टो कैल्शियम सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो सिरप है उसको जीएसके कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ये 200 ml का पैक है, जिसकी अगर हम MRP की बात करें तो 166.70 रुपये इसकी MRP है, और ये कांच की बोतल में आता है। और इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के इंग्रेडिएंट शामिल हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट है, जो कि 82 mg है, और इसमें विटामिन D3 दिया गया है, जिसको हम कॉलीकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, अगर आप कॉलीकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन D3 के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तथा तीसरा जो इसमें दिया गया है वो विटामिन B12 है, इसको भी हम साइनाकोवालामिन के नाम से जानते हैं, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 2.5 mcg यानी कि माइक्रोग्राम दी गई है। तो ये इसमें इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेज के बारे में कि ऑस्टो कैल्शियम सिरप का यूज किन किन इंडिकेशन में किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके शारीरिक विकास के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही जरूरी होते हैं, जिससे उनकी जो बॉन्स होती हैं यानी कि जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, उनके जो दांत होते हैं वो भी मजबूत होते हैं और सही टाइम पर निकलते हैं, मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, जिससे बच्चे का वजन तथा लंबाई दोनों में अच्छी ग्रोथ होती है। तो अगर आपके बच्चे के अंदर भी ये सब चीज़ें अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रही हैं, उसका शारीरिक संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन में इस ऑस्टो कैल्शियम सिरप का यूज करा सकते हैं। तथा इसके अलावा अगर आपके बच्चे में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आपका बच्चा मिट्टी खाने लगता है, तो आप ऐसी कंडीशन में इस ऑस्टो कैल्शियम सिरप का यूज करा सकते हैं। जब बच्चा मिट्टी खाने लगता है तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम की जो कमी होती है वो तो कहीं ना कहीं पूरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मिट्टी खा रहा है तो उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या पैरासाइट इन्फेक्शन है, तो वो भी साथ में हो जाते हैं। तो क्या होता है कि बच्चों के पेट में दर्द होने लगता है, बच्चे रोते रहते हैं और कभी कभी पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि आप ऑस्टो कैल्शियम सिरप तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो कीड़े हो गए हैं तो आप एलवेंडा जोल दे सकते हैं, और अगर बच्चे के पेट में भी दर्द हो रहा है तो आप डाइसाइक्लोमाइन कॉम्बिनेशन में यानी कि आप नियोपेप्टिन सिरप आती है या पॉलीस्पास सिरप आती है वो दे सकते हैं, तो इससे बच्चे को आराम मिल जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी जब पूरी हो जाएगी तो वो मिट्टी नहीं खाएगा और ये सभी समस्याएं नहीं होंगी। देन उसके अलावा जिन बच्चों में विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की समस्या होगी, तो ऐसी कंडीशन में भी इस ऑस्टो कैल्शियम सिरप का यूज किया जा सकता है। रिकेट्स की समस्या में क्या होता है दोस्तों कि जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा लचीली हो जाती हैं, तो उनमें भी फ्रैक्चर होने का खतरा बना रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस ऑस्टो कैल्शियम सिरप का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, बच्चों के अलावा अगर किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो गई है तो वो भी इस सिरप का यूज कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑस्टो कैल्शियम सिरप की डोजेज के बारे में। तो दोस्तों, इसका यूज छोटे बच्चों में जिनकी उम्र 4 साल से ऊपर है, उनको आप 1 चम्मच सुबह और शाम दे सकते हैं, इसको खाना खाने के बाद दिया जाना चाहिए। और वहीं अगर कोई एडल्ट व्यक्ति इस सिरप का यूज कर रहा है तो उसको 2 चम्मच सुबह शाम दिया जा सकता है, इसको भी खाना खाने के बाद लेना चाहिए। तो ये इसकी डोजेज हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑस्टो कैल्शियम सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस सिरप को लेने के बाद आपकी भूख में कमी आ सकती है, आपको उल्टी या मतली हो सकती है, आपको इंडाइजेशन यानी कि कब्ज की समस्या हो सकती है, तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं जो आपको इस सिरप को लेने के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस ऑस्टो कैल्शियम सिरप के बारे में पूरी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।